दोस्तों, भारत की एक नीति जो भारत को बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाती है वह है गुटनिरपेक्ष नीति। भारत हमेशा से दो देशों के बीच हो रहे युद्ध की बात छिड़ने पर ना तो किसी का पक्ष लेता है और ना ही किसी के विरुद्ध जाता है, बल्कि इसके विपरीत शांति स्थापित करने की बात करता है। भारत की इस नीति का परिणाम यह है कि विश्व के दो कट्टर विरोधी और सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और रूस से भारत के अच्छे संबंध हैं। बीते कुछ सालों में जहां इजराइल फिलिस्तीन युद्ध हुआ, अफगानिस्तान तालिबान युद्ध हुआ, वहां भी भारत की यही नीति कायम रही। हालांकि भारत हमेशा से आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ भी रहा है, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भारत की यही नीति रूस के विरोधी देशों को खटक रही है। रूस के विरोधी सभी पश्चिमी देशों ने यह साफ साफ कह दिया है कि भारत रूस का विरोध करे। ऐसे में भारत, जिसे चीन के खिलाफ अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों का सपोर्ट चाहिए, उसके लिए फैसला लेना अब बहुत ही कठिन हो गया है कि वह इन देशों की बात माने या हमेशा अपनी मदद करने वाले सबसे अच्छे मित्र देशों के साथ खड़ा रहे। यूरोप के ज्यादातर देश रूस के विरोधी हैं और ये सभी अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं। वैसे भी अमेरिका पाकिस्तान की मिलिट्री को मजबूत करने में लगा है। यूरोप के 27 प्रभावशाली देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं और यूरोपियन यूनियन के 21 देश भी अमेरिका के साथ नाटो के भी सदस्य हैं। वैसे तो यूरोप के कई देश आकार व जनसंख्या के मामले में भारत के राज्य से भी छोटे हैं, और अगर भारत आने वाले कुछ सालों में और ज्यादा तरक्की कर ले तो वह अकेले ही पूरे यूरोप से निपट सकता है। लेकिन हमारी वीडियो वर्तमान की स्थिति को देखकर, अगर वर्तमान में युद्ध का माहौल तैयार होता है तो भारत इन देशों के सामने कितना मजबूत है, इसकी तुलना करती है। तो आइए जानते हैं कि अगर वर्तमान समय में यूरोप के सभी देशों से भारत को लड़ना पड़े तो भारत वहां पर कितना शक्तिशाली साबित होगा। इस तुलना में हम रूस, यूक्रेन, बेलारूस और तुर्की को यूरोप की मुख्य धारा में शामिल नहीं करेंगे। यहां हम यूरोपियन यूनियन व यूके की कंबाइंड पावर की तुलना भारत की टोटल मिलिट्री से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तुलना। जहां यूरोप के सभी बड़े व प्रमुख देशों के पास एक्टिव एंड रिजर्व मिलिट्री पर्सनल की 35 लाख से ज्यादा यूनिट्स हैं, जिनमें एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की कुल 13 लाख यूनिट्स ही इनके पास हैं, तो वहीं भारत के पास इनकी 25 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स हैं, जिनमें एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की ही कुल 14 लाख से ज्यादा यूनिट्स हैं, और इंडियन आर्मी के पास लाखों की संख्या में पैरा मिलिट्री फोर्सेज भी हैं। अब अगर टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात करें तो यूरोपियन देशों के पास 6000 से ज्यादा यूनिट्स हैं, तो वहीं भारत के पास 2300 से ज्यादा यूनिट्स हैं। इनमें केवल फाइटर्स और इंटरसेप्टर्स की 1500 से ज्यादा यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास, तो भारत के पास 560 से भी ज्यादा की यूनिट्स हैं। भारत के पास तेजस का प्रोडक्शन तेज होने से इसकी संख्या बढ़ सकती है। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो यूरोपियन देशों के पास इसकी संख्या 400 है, तो वहीं भारत के पास इसकी संख्या 130 से ज्यादा है। 400 से ज्यादा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जहां यूरोपियन देशों के पास हैं, तो भारत के पास इसकी संख्या केवल 50 के पार है। भारी तबाही मचाने वाले न्यूक्लियर वारहेड्स की 515 से ज्यादा यूनिट्स पूरे यूरोपियन देशों में केवल ब्रिटेन और फ्रांस के पास हैं, तो अकेले भारत के पास इसकी 160 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं। जमीनी ताकत की बात करें तो यूरोपियन देशों के पास 5000 से ज्यादा यूनिट्स मेन बैटल टैंक्स हैं, और भारत के पास लगभग 4700 के पास इसकी संख्या है। टोटल आर्मोर्ड व्हीकल्स की बात करें तो 60000 से ज्यादा की यूनिट यूरोपियन देशों के पास कंबाइंड तौर पर है, तो भारत के पास इसकी 12000 से ज्यादा की यूनिट्स हैं। 2700 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास है, तो भारत के पास करीबन 100 से ज्यादा यूनिट्स हैं, और आगे इसमें और इजाफा हो सकता है। टोएड आर्टिलरी की 3400 यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं, तो भारत के पास इसकी 3300 यूनिट्स हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स यूरोप के सभी देशों के पास मिलाकर हैं, तो सिर्फ भारत के पास इसकी 1300 से ज्यादा यूनिट्स हैं। अब अगर समुद्री ताकत की तुलना करें तो यूरोपियन देशों के पास 6 एयरक्राफ्ट कैरियर यूनिट्स हैं और 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स भी हैं, तो वहीं भारत के पास फिलहाल 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इसके बाद समुद्री शक्तियों को तबाह करने वाली डिस्ट्रॉयर शिप की 20 यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास है, तो 10 यूनिट्स भारत के पास। फ्रिगेट्स की बात करें तो यूरोपियन देशों के पास इसकी संख्या 110 है,
तो भारत के पास फिलहाल इसकी संख्या 12 ही है। कॉर्वेट्स की संख्या यूरोपियन देशों के पास 25 और भारत के पास 21 है, जबकि 60 सबमरीन्स यूरोपियन देशों के पास हैं, तो भारत के पास इनकी संख्या 16 है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने यूरोपियन देशों की कंबाइंड पावर की तुलना वर्तमान के भारत की पावर से की है। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।